नमस्कार दोस्तों, फैबियन से टक्की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे पॉल के बहुत सारे मूव कैसे चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉल का स्पेशल मूव कैसे मारते हैं, जिसमें आपको स्क्वायर और ट्राइंगल मतलब दोनों पंच वाले बटन एक साथ दबाते हुए ये साइड वाला दबाना है, ऐसे तीनों बटन एक साथ, पीछे वाला भी और दोनों पंच वाले ऐसे। अब इसका दूसरा मूव देखते हैं। जैसे अपोनेंट बहुत दूर है तो आप भागते भागते शेर की तरह कूदते हैं, उसे आप देखते कैसे करते हैं, ऐसे भागते भागते और दोनों पंच वाले दबाने। आप एक बार करके दिखाता हूँ, दोनों पंच वाले ऐसे। तो हम इसका तीसरा मूव देखते हैं गाइस, जिसे हम होवा भी कहते हैं पॉल का। उसके लिए आपको ऐसे नीचे से लेके टेढ़ा फिर साइड वाला ऐसे ऐसे अपने बटन ऐसे चलाने हैं, ऐसे ऐसे अपनी जॉयस्टिक आपको चलाते हुए ऐसे आपको दबाना है ट्रायंगल, ऐसे करते हुए ऐसे ट्रायंगल। तो इससे हुआ मारते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा मूव है ये, डैमेज भी काफ़ी अच्छा देता है। अगला मूव है गाइस सेम, आपको यही जॉय आपको अपने ये जॉयस्टिक ऐसी चलानी है, लेकिन इस बार आपको ट्रायंगल की जगह आपको स्क्वायर दबाना है, ये वाला पंच वाला बटन। देखते हैं ऐसे जॉयस्टिक आपको वैसी चलानी है जिसने आप जो आपने सेम हुआ में चलाई थी। तो गाइस हम इसका अगला मूव देखते हैं, जिसमें ये पटकी मारता है एक, आपको एक पंच वाला ये स्क्वायर और एक्स मतलब एक लात वाला ये एक साथ दबाने हैं बस। तो आपने देखा गाइस, अब इसका अगला मूव देखते हैं गाइस। इसमें आपको क्या करना है, दो बार ऐसे आगे दबाते हुए सर्कल, दो बार आगे ला के सर्कल, इससे ऐसे एक पटकी सी मारता है मतलब घूम के मारता है एक। चले गाइस अब इसका अगला मूव देखते हैं, उसमें आपको ऐसे ऊपर वाला दबा के एक्स और सर्कल दबाना है ऐसे। तो ये खड़े खड़े दो लात मारता है। इसका एक और पार्ट है, अगर आप भागते हुए मारना चाहते हैं तो ऐसे भागते हुए एक्स और सर्कल ऐसे दबा दीजिए और सर्कल बार बार दबाते रहेंगे तो ये तीसरी लात भी मारता है। चले गाइस अब इसका अगला मूव देखते हैं, उसके लिए आपको ऐसे नीचे ऐसे टेढ़े की तरफ बिठाते हुए ट्रायंगल दबाते रहना है। चले गाइस अब इसका पॉल का अगला मूव देखते हैं, उसके लिए आपको सेम ऐसे नीचे बिठाते हुए स्क्वायर और ट्रायंगल दबाने हैं ऐसे। अगर आप चाहें तो आप दोनों स्क्वायर और ट्रायंगल एक साथ भी दबा सकते हैं ऐसे नीचे बिठाते हुए। अगला गाइस एक मूव नहीं है, बस ये एक्शन करता है, आपको नीचे वाला एरो ऐसे दबाए रखना है तो पॉल बस ऐसे करता है। चलिए इसका अगला मूव देखते हैं गाइस, उसके लिए आपको क्या करना है, ये आगे वाला दबाते हुए दोनों हाथ वाले दबाने हैं ऐसे। चलिए गाइस इसका अगला मूव देखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, दो बार आगे दबाते हुए ऐसे ट्रायंगल दबाने हैं ऐसे। चलिए गाइस अब इसका अगला मूव देखते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे वाला दबा के सर्कल और ये ट्रायंगल दबाना है ऐसे, जिसे हम लात कोनी भी कहते हैं ऐसे। ध्यान से देखिएगा ये नीचे वाला ऐसे, नीचे वाला आपको दबाए नहीं रखना, आपको बस एक बार दबा के ऐसे ऐसे दबा के ये दबाने हैं सर्कल और ट्रायंगल। चलिए अब इसका अगला मूव देखते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल आपको दबाना है नीचे वाला दबाते हुए, जैसे हमने सेम लात कोनी चलाई थी वैसी उसकी वो ही चलाने हैं मूव, बस इसमें बटन अलग हो गए स्क्वायर और ट्रायंगल, उसमें सर्कल और ट्रायंगल था इसमें स्क्वायर और ट्रायंगल है, तो नीचे वाला दबाते हुए ऐसे स्क्वायर और ट्रायंगल। चले गाइस अब इसका अगला मूव देखते हैं, जिसमें आपको इसमें ऐसे नीचे दबाते हुए वो सेम, इस बार आपको स्क्वायर सर्कल और ट्रायंगल दबाना है, पहले ही ऐसे मारेगा फिर लात और कोनी चलाएगा ऐसे, देख सकते हैं गाइस नीचे वाला ऐसे दबा के स्क्वायर सर्कल और ट्रायंगल। इसकी एक टाइमिंग होती है गाइस, अगर आप टाइमिंग सही से नहीं बिठाएंगे तो ये मूव नहीं चलाएगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप मैंने सारे मूव्स कवर कर दिए होंगे। अगर बाय चांस मेरे से कोई मूव्स रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा।